यहाँ नहाने के बाद हम वापस जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर, फिर आपको वहाँ के ब्लॉग दिखाते हैं। आप प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें और पूरा ब्लॉग देखें। ये हरिद्वार का मार्केट, गंगा जल आप अगर लेंगे यहाँ से तो ये उसके लिए डब्बे है। सब आगे गया, इधर प्रसाद बिक रहा है। तो यहाँ पे अब सब कुल्फी खा रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। इतना देर हमने नहाया, नहाने के बाद भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा, धूप बहुत तेज हो रहा है। तो पहले हम यहाँ पर कुल्फी खाते हैं, फिर कुल्फी खाने के बाद फिर हम मनसा देवी मंदिर जाएंगे। तो यहाँ से मनसा देवी की चढ़ाई स्टार्ट हो रही है। इस टाइप की सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, 140 करीब सीढ़ियाँ है ये। बाकी उसके बाद कुछ प्लेन रास्ता भी तय करना है, जैसे कि वो प्रसाद वाले भैया ने बताया था अभी। हाँ, अब देख सकते हैं बिल्कुल पतली सी सीढ़ियाँ है। कई लोग दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं और कई लोग जा भी रहे हैं। कुछ लोग डोली से भी जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़े, पुराने पुराने पेड़ हैं। ये है हरिद्वार शहर, बहुत सारी मंदिर है और ये पहाड़ है, इधर पेड़ पौधे हैं। इतना ऊंचाई से कितना खूबसूरत नजारा दिख रहा है। हेलो, बोलो बोलो। उसकी हाइट ऐसे इतनी ज्यादा वो नहीं है ना, वो इतने तो ऊंचाई पे। आप कहाँ पहाड़ पे जा रही हो? यहाँ से करीब देखो फोटो आया। वो मंदिर दिख रहा है, एक बड़ा सा मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हैं रामायण में दिखाया गया था कि वन में श्री राम जी ने क्या खाया था, वही फल है ये। ये भैया बता रहे हैं वही फल है। और बाकी ये घना जंगल इतना बड़ा, और हम तो थक ही गए। अच्छा, आखिर इतना चलते चलते हमें अपनी मंजिल मिली गई। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको दिखा रही हूँ, ये है प्रवेश द्वार, ये रहा मंदिर। बस यहाँ से थोड़ा सा चढ़ना है, एक किलोमीटर और चढ़ना है कम से कम हमें। यहाँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए यहाँ बनाया गया है, यहाँ बैठ के आप रेस्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ चढ़ाई चालू। तो गाइस, ये देखिए ज्यादा थके हुए हैं हम लोग। चिंटू बहुत ज्यादा थक गई है। चिंटू थक गई हूँ गाइस, आप देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं, पहले नहीं दिख रही थी। और देखो माता रानी का छाप,
आप देखिए वहाँ पे माता रानी जब वहाँ से आ रही थी तो फिर उनका शाप हो गया क्योंकि उनका चप्पल खोल के फिर उन्होंने चप्पल उठाया तो शाप मिल गया उनको। तो आप इस ब्लॉग में बने रहे, आइए आपको दिखाते हैं, माता का दर्शन कराते हैं। पकड़ो, एक मिनट पकड़ लो, दोनों हाथ से पकड़ो। उसमें क्यों डाला है वो मसाला? नमक है बेटा, व्हाइट वाला। अब नींबू पानी पियोगे ना, शिकंजी नहीं चाहिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर, बहुत ज्यादा थके हुए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप भी बहुत तेज है। पहले हम जाते हैं थोड़ा कुछ खाना वाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर होटल चले जाएंगे, फिर वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर शाम को आएंगे गंगा आरती के लिए। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब हमें जाना होटल, जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप है। तो इस ब्लॉग में आप बने रहें, स्किप ना करें, पूरा ब्लॉग देखें। और 4-4 घंटे की वेटिंग है। कहाँ गई? हमें लेके नहीं जाना बेटा। कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बताएं भैया, बहुत थक गए हैं। ठीक है, हरिद्वार आइए तो सिर्फ घाट पे घूमिए। ठीक है, यहाँ आने का कोशिश ना करें, बहुत ज़्यादा चढ़ाव है। यहाँ आए तो फिर केबल वाले से आए, केबल कार बोलते हैं ना, उड़ान आए, मगर इसकी वेटिंग बहुत है। 3 घंटे सुबह सुबह आने का फायदा है, 6-7 बजे अपना आओ, नंबर लगाओ, 3-4 घंटे लाइन में लगो, फिर ठीक है। क्योंकि रास्ता तो ऐसे आधे घंटे का, 45 मिनट का है, चढ़ाई ज्यादा है। चढ़ाई ज्यादा है पर उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतरने में 15-20 मिनट लग रहे, उतर गए हम, पर चढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, चढ़ते चढ़ते थक चुके हैं। अब नीचे जा रहे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आएंगे गंगा आरती के लिए। चलिए अब हम मनसा देवी के मंदिर से चढ़ाई करके आ चुके हैं, माता का दर्शन हो गया है। होने के बाद अब यहाँ पर हम आए खाना खाने के लिए, खाना खाने के बाद फिर हमें गंगा आरती के लिए भी जाना है।
आप सभी लोग माता गंगा जी का भजन करेंगे, सभी लोग माँ गंगा जी को ध्यान कर माँ गंगा जी का भजन करेंगे। गंगा जी के चरणों में आरती में दीप दान श्रद्धा से दान है यादव परिवार तो शाम होने के बाद हम वापस आ चुके हैं घाट पर और यहाँ पर हो रही है गंगा आरती। तो गंगा आरती के लिए हम बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, पूरा भीड़ उमड़ा हुआ है। तो यहाँ से फिर गंगा आरती करके फिर अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग हमारा आएगा ऋषिकेश का, तो वो भी ब्लॉग आप ज़रूर देखें इसके बाद आएगा और ढेर सारा प्यार दे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस ब्लॉग को।